हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे कैंपस प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया कि मेरा सीए फाइनल में 25th रैंक आया था, तो मेरा एक्चुअली नवंबर 21 का अटैम्प्ट था और मार्च 22 में हमारे इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे कैंपस के। तो जैसे आपको बताया कि इसमें मतलब सेंटर्स आपको चूज़ करना पड़ता है, इसमें भी कुछ सेंटर होते हैं जो बिग सेंटर होते हैं, कुछ स्मॉल सेंटर्स होते हैं। तो बिग सेंटर्स में जैसे आपका जो मेट्रो सिटी है मेनली, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, ये सब बिग सेंटर्स में आते हैं। और स्मॉल सेंटर्स में हो गया जैसे इंदौर आ गया, इंदौर, भुवनेश्वर, नोएडा, तो ये सब स्मॉल सेंटर्स में आते हैं। तो पहले जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपका बिग सेंटर्स में होता है। अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो देन आप स्मॉल सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली दिल्ली सेंटर से अप्लाई किया हुआ था बिग सेंटर्स में, एंड स्मॉल सेंटर में मेरा नोएडा था। तो दिल्ली सेंटर में उस टाइम पे 37 कंपनीज आई थी और उन 37 में से मुझे 30 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज दिख रहा होगा। ये भी मतलब इन टर्म्स ऑफ सीटीसी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब जो आपको टॉप पे दिख रहा होगा उसने सबसे ज़्यादा सीटीसी कोट किया था। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो वो सीटीसी का अमाउंट कम होता जाएगा। तो ये एक्चुअली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीटीसी के टर्म्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मतलब कौन सी चार कंपनी में कंसेंट दी और मतलब क्यों दिया रीज़न के साथ। एक तो मैं बोलूँगा कि जब भी आप मतलब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो एक तो आपका सबसे मेन जो होता है वो आपका होता है सीटीसी। तो सीटीसी आप देखते हो कि मतलब उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। कुछ कंपोनेंट होता है जो आपको सिर्फ ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलता है, कुछ होता है कि आपको आफ्टर 3 ईयर्स मिलता है या 5 ईयर्स मिलता है, कुछ कंपोनेंट उसमें होता है कि आपको ESOPs के फॉर्म में मिलता है जो कि आपको आप मतलब 3 ईयर्स बाद ही उसको इनकैश कर सकते हो, ऐसा कुछ कंडीशन वो लोग डाल देते हैं। तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि मतलब आपके कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड है। तो बाकी अब देखते हैं कि मैंने कौन सी कंपनी में कंसेंट दिया था। तो जैसे आपको ये जो टॉप 6 कंपनी दिख रही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू भारती एयरटेल, इन 6 ने 20 लाख प्लस का सीटीसी कोट किया था। तो जैसा कि आपको बताया कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है तो वो बोलता है कि जिन कंपनी ने सीटीसी 20+ कोट किया है तो उनका जो इंटरव्यू होगा वो फर्स्ट डे होगा, मतलब कैंपस जब स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट डे इनका इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। एंड जो मतलब वो ऐसे मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया कि अगर जिनका फॉर एग्जाम्पल जिनका इनकम मतलब जिनका सीटीसी 15 से 20 के बीच में, उनका सेकेंड डे पे होगा, तो ऐसे इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया डाला हुआ है। तो इन 6 का इंटरव्यू था वो फर्स्ट डे शेड्यूल था। एंड जो तो इन 6 में से मैंने किस किस को कंसेंट दिया, ये पावर फाइनेंस से मैंने कंसेंट दिया, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो ये एक्चुअली महारत्ना कंपनी है, तो इसमें मैंने कंसेंट दिया था। देन सेकंड वोडाफोन आइडिया, इसमें मैंने कंसेंट नहीं दिया क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात किया था तो मतलब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उतना सर्टेन नहीं है, फिलहाल वो इस टाइम पे भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पर कंसेंट नहीं दिया। देन थर्ड पे ITC लिमिटेड, इसमें मैंने कंसेंट दिया था। फोर्थ वेदांता लिमिटेड, वेदांता एक्चुअली मैंने वो ऑफ कैंपस अप्लाई किया हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें फिर यहाँ पे कंसेंट वेस्ट नहीं किया। फिफ्थ है हीरो मोटोकॉर्प। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि मतलब सीटीसी आपको ध्यान देना होता है, इसमें मैंने कंसेंट नहीं दिया क्योंकि इनके सीटीसी में जो 3 लाख का अमाउंट था वो था ज्वाइनिंग बोनस, यानी जब आप ज्वाइन करोगे कंपनी को तब आपको ये अमाउंट मिलेगा, यानी ये अमाउंट आपको सिर्फ वन टाइम मिलेगा, आपको ये नेक्स्ट ईयर से ये अमाउंट नहीं मिलेगा। प्लस में 3 लाख था जो आपको 3 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट करने के बाद मिलता, यानी जो इनका सीटीसी था उसमें से 6 लाख का अमाउंट ऐसा था जो कि आपको सिर्फ वन टाइम मिलने वाला था, तो इसलिए मैंने ये इसको मतलब कंसेंट नहीं दिया। और इसके साथ साथ मतलब सीटीसी के साथ साथ आपको देखना होता है कि कंपनी आपको कौन सा प्रोफाइल ऑफर कर रही है, मतलब जिस प्रोफाइल में आपका इंटरेस्ट है तो आप मतलब उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देन भारतीय एयरटेल, मैंने एक्चुअली जब मैं डेलॉइट में ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने भारतीय एयरटेल का भी वो ऑडिट किया था, तो भारतीय एयरटेल का मैंने कंसेंट दिया था। तो ये 3 कंसेंट मैंने यहाँ यूज किए जो 6 कंपनी थी उनमें से। देन गेल इंडिया मैंने यूज नहीं किया क्योंकि गेल इंडिया ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो मैंने ऑलरेडी एक ये PSU को कंसेंट दिया था तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे कंसेंट नहीं दिया। देन HCL टेक्नोलॉजी, इसमें फिर मैंने कंसेंट दिया अपना फोर्थ कंसेंट। तो ये 4 कंपनी मैंने कंसेंट दिया था। तो और मतलब इन चार में से 3 कंपनीज के मेरे जो इंटरव्यू थे वो फर्स्ट डे थे क्योंकि ये 3 कंपनीज इन 6 कंपनी में थी जो जिनका सीटीसी 20+ था। तो पहला इंटरव्यू था मेरा मॉर्निंग में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो इसमें एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हो गया। देन सेकेंड इंटरव्यू था मेरा भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल जैसे मैंने बताया कि मैंने इसका भी ऑडिट किया था जब मैं ट्रेनिंग में था, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ये 2 कंपनी में सिलेक्शन हो गया। अब आपको पता है कि जब आप किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो आपका रिमेनिंग कंपनी बचता है जिसमें आपका इंटरव्यू बचा हुआ है उसमें आप फिर अपियर नहीं हो सकते, मतलब अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बाकी कंपनी में अपियर नहीं हो सकते। तो मेरा इसमें मैंने कंसेंट, ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसमें मैंने कंसेंट दे दिया कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, तो इसलिए फिर मैंने
आईटीसी का मेरा मतलब इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं, ना ही इसका हुआ आईटीसी का और ना ही एससीएल टेक्नोलॉजी, इसमें मैंने इंटरव्यू दिया नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कंसेंट दे दिया था फॉर ज्वाइनिंग। तो मैंने पीएफसी ज्वाइन कर लिया है और अभी लास्ट 10 मंथ्स से मैं इसी में काम कर रहा हूँ। बाकी इसका मैं एग्जैक्ट सीटीसी आपको कोट नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। तो बस यही आपको अपडेट करना था, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।